हाँ जी राम राम सब भाई को। तो आज का ब्लॉग चालू होता है अक्षर भाई के साथ, वो भी रोड पर फुटपाथ पर। तो यू अपना कॉलेज आ चुके हैं, कॉलेज बड़ी दया पे। तो अभी तो चल रहा है भाई लंच और निकलते हैं भाई लंच में। तुम्हें पता है भाई बाहर आए हम, तो आज कोई भाई का बर्थडे था, तो अब जा रहे हैं हम रेस्टोरेंट में। तो इस भाई का बर्थडे है, हमारे बाज भाई इस भाई का बर्थडे, और हर्ष भाई दावत के चक्कर में खड़े हैं भाई। और तो भाई यारो बर्थडे तो आज नहीं थे, बर्थडे तो 7 तारीख। हाँ भाई बर्थडे पहले था, आज तो बस दावत है, दावत बढ़िया वाली। तो भाई रोड क्रॉस कर रहे हैं अपन लोग, पहुंच चुके हैं हम रेस्टोरेंट पर। बहुत बढ़िया मस्त, तो अभी खाएंगे दावत, सब चल रहे हैं दावत के लिए अंदर को, भी चलते हैं भाई। भाई रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और ये बर्थडे भाई बर्थडे बॉय, और यू बर्थडे बॉय का केक देख रहे भाई यार, बहुत कैड़ा मजा आ रहा भाई। बर्थडे केक देखो, हमें देखो कुछ बन रहा है बर्थडे बॉय। भाई आ चुके हैं आराम से, बड्डे वड्डे बना के, बड्डे बुड्डे बन गया भाई का बढ़िया, और अब बैठे हैं इनकी गैर। भैया दावत खा के हमें बिकला बिठा दिया है भाई, तुम भंडारा खाने गए हम दावत में। यूसुफ भाई तुमने कुछ खाया नहीं? खा खाए भाई, ये छोले कुलचे उसके पैसे भी ना दे दे हमने, तो पैसे मान ले भाई के। भाई टाई तो दे दो ये टाके रख लेते बैग में, एक टाई ये पता नहीं किस कॉलेज की टाई भाई, जब नहीं है भाई। ये भी तुम्हारा दोस्त है क्या यूसुफ भाई? ये क्यों आके बैठ गया? पड़ोसी हमारा। अरे पड़ोसी, और भाई क्या हाल है? बढ़िया। और अरे हाथ तो मिलाओ यार, तुम कैसे यार? अरे गले मिलते हैं भाई, गले। अरे यू तो लेट गया भाई, लेट गया भाई, लैप फोन ले। गले मिलते हैं भाई, है भाई मास्टर तो है ना, लैप फोन लेगा। मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा, मैं भाई मैं ले सकता हूँ लैप। ओ भाई हमारे भाई चल दिए और कॉलेज की हो गई छुट्टी, चलो भाई चलते हैं। और अनमोल भाई बढ़िया, बस चलते हैं, बाय। तो हम भी चलते हैं भाई, चलो। तो भाई अभी तो आ गए कॉलेज से, और कॉलेज से आने के बाद थक गए थे बुरी तरह, क्योंकि कॉलेज जाते हैं तो यार थक जाते हैं वहाँ से आने के बाद। तो अभी तो भाई कुछ नहीं, लेटे हैं, थक गए थे, और बड्डे बुड्डू बनाया उसका, अरवाज़ का बड्डे था भाई। और उसके बाद अपना खाना पीना खा गए वहाँ पे, और कॉलेज में जा कर लेक्चर वेक्चर ले कर लैब वैब करके उसके बाद हम आ लिए घर पे। तो घर आने के बाद भाई मैं मूवी देखने लग गया, एक तो नई मूवी आई है दी केरला फाइल्स, भाई बहुत कैडी मूवी है, देखो यार आप जाके, बहुत मैं प्रमोशन नहीं कर रहा बट बहुत कैडी मूवी है, देखो जाके। हिंदुत्व के ऊपर है भाई, कि मैं आपको बताता हूँ क्या है उसमें थोड़ा बहुत, और आप भी देखना जाके। तो मुझे अभी गुस्सा आ रहा है वो मूवी देख के भयंकर वाला भाई, क्योंकि जैसी मूवी है उस हिसाब। तो भाई मैं आपको बताता हूँ उसमें होता क्या है, कि एक्चुअली जो लड़कियाँ होती हैं ना उसमें हिंदुत्व वाली, हिंदुओं की जो लेडीज़ होती हैं, उनको जो मुसलमान के लड़के होते हैं वो जब लफ्ज याद का शिकार बनाते हैं, मतलब बाहर से आते हैं जो लड़के, और मेनली ये केरला में हो रहा है अभी फ़िलहाल, तो वहाँ उनको करते क्या है, वो उनको लफ्ज़ याद शिकार बनाया अपना, ब्रेन वॉश करते हैं उनको कि अपने रिलीजन का ये बता दें, तुम्हारे में ये होता है, हमारे में ये होता है, मतलब पूरी तरह ब्रेन वॉश, समझ रहे हो ना।
ब्रेन वॉश करने के बाद भाई वो उनको मतलब विदेश भेज देते हैं, समझ रहे हो ना, विदेश भेज देते हैं भाई उन्हें, जैसे कि ईरान, इराक, ऐसी जगह, और गंदे गंदे काम कराते हैं उनसे। और तुम्हारा भाई उन्हें बॉम्ब वगैरह फिट करके उन्हें भेजते हैं भाई इंडिया और अदर कंट्री जैसे कहीं भी। तो भाई तुम भी देखो जाके उसके, क्योंकि मेरा तो खून खोलेगा भाई देख के। जैसे हमारी कश्मीरी फाइल्स थी उसी टाइप की है, मतलब ये देखो इसमें जाके, इसमें हिंदू और क्रिश्चन की जो क्रिश्चन जो होते हैं उनकी जो बहनें हैं माताएं हैं उनके साथ ये सलूक करते हैं। और आपने देखा होगा अभी इस मतलब एक साल में कितने केसेस बने हैं लफ्ज़ियात के भाई, भयंकर। आए दिन कोई बक्से में कटी हुई मिल रही है, कोई कुछ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बस यार, समझो, कब समझोगे, अब नहीं समझोगे तो जय श्री राम बोलने से नहीं करने से भी होता है यार, समझ गए। करो भाई कुछ तो करो। और भाई मैंने देखी आज तो भाई भयंकर वाला खून खोल गया, और उस पर तो बहुत खोला था जब मैंने वो की देखी थी कश्मीरी फाइल्स भाई भयंकर। उसमें तो बहुत ज़्यादा था, इसमें बहुत कम दिखाया गया अभी, उसमें बहुत ज़्यादा था कश्मीरी फाइल्स में। और कई लोग अब भी कहते हैं वो कश्मीरी फाइल्स ऐसी बनाई है, कहीं कुछ नहीं हुआ था भाई। तो मैं पता है क्या, तुम थे क्या वहाँ भाई? जब लोग बता रहे हैं तो सुनो ना यार, हिंदू के ऊपर इतना वो हो रहा है अत्याचार। तो बस भाई यही कहना हमारा, तो जय श्री राम बोलो और सेफ रहो। और मैंने तो ये भी सुना है केरला मुस्लिम वो बन जाएगा स्टेट, तो भाई देखो यार भाई कुछ तो कर लो यार। तो भाई आज का ब्लॉग तो इतना ही था, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वरना वो आपका मूड है जो भी करना चाहो। तो राम राम भाई।